शहर के वार्ड नंबर 36 में शनिवार को विधायक अमित विज ने ट्यूबवेल के काम का शुभारंभ किया। पार्षद रोहित सियाल की अगुवाई में आयोजित किए गए इस समारोह में विधायक अमित विज मुख्य रूप से मौजूद रहे। विधायक अमित विज ने कहा कि गर्मियों के मौसम में लोगों को पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पहले से ही नए ट्यूबवेल शहर में लगाए जा रहे हैं। इससे वार्ड नंबर 36 व आसपास के लोगों को सुविधा मिलेगी। वहीं वार्ड नंबर 36 के पार्षद रोहित सियाल ने विधायक अमित विज का आभार जताया। इस दौरान कांग्रेस नेता पन्नालाल भाटिया के अलावा अन्य नेता भी मौजूद रहे। आज वार्ड नंबर 36 आया, जल ही जीवन है, जिस तरह पानी का मैं कहना आपे कहना कि एक सब बेसिक रिक्वायरमेंट जी सबू मिलनी चाहिए है। तो साढ़े कोई 90 करोड़ के हूँ कम होने ने, सीवरेज वाटर तो 15 ट्यूबवैल लगने ने, और चौथा ट्यूबवैल असं इनैगोरेट करना है। 40 साल की डिमांड सी इस वार्ड की, असी बड़े वरिड से, पिछे एक प्रॉपर्टी सानू मिली सी मगर उत्थे स्टे हो गया। मैं मेरे नाल चौधरी साहब खड़े ने, उन्होंने ब्रदर SMO साहब भी खड़े ने, मैं इन्हों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना कि बहुत ही वैल्यूएबल लैंड जी, तकरीबन 10 लाख की लैंड होनी है, इन्होंने सिर्फ लोगों ताकि पानी मुहैया हो सके ट्यूबवैल वास्ते दी है। मैं अपने वालों, अपने शहर वासियों वालों, अपने वार्ड वासियों वालों चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। नाल ही चौधरी साहब ने इत्थे सानू रस्ते वास्ते तो 20 फुट की रोड भी दिती दी है, जिहदे वास्ते लोग राती शामी वॉक करते ने, और वास्ते भी इन्हों का बहुत थैंक्स करना। मैं बस यही कहांगा कि असी हुण सीवरेज पानी तो रोड्स के काम शहर च करने ने, तकरीबन 80 करोड़ के काम सीवरेज वाटर पाइपलाइन तो ट्यूबवैल्स के ने, तो रफली 40 करोड़ के काम रोड्स के होने ने। असी साड़ी कोशिश यही रहेगी कि इमीडिएटली असी उन्होंने काम करवा के उन्हें रिपेयर करा दिए। लोगों को थोड़ी इनकनवीनियंस जरूर होएगी, मगर आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरी वन काइंडली प्लीज़ बेयर विद अस। इस ट्यूबवैल नाल 8000 लोगों को बेनीफिट मिलेगा, तो जी मेजर रिक्वायरमेंट सी साढ़े इस इलाके की, तो 8000 लोगों को ये बेनीफिट मिलेगा। यह 1.5 महीने तैयार हो जाएगा, उस तो बाद 1 महीना टेस्टिंग, फिर उन्होंने पाइपा वो काम रहेगा जी। स्पीड नेशन का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि पठानकोट से जुड़ा हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।